SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ दलित संगठन ने सोमवार को पूरे देश में बंद का आह्वान किया। वहीं बहराइच से बीजेपी सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए। बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने कहा कि यदि आरक्षण खत्म करने की साजिश बंद नहीं हुई तो जंग हो जाएगी। कुछ दिनों पहले ही फुले ने कहा था कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसके लिए अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित संविधान व आरक्षण बचाओ रैली में फुले ने कहा कि आरक्षण हमें कोई भीख में नहीं मिला है, ये हमारे लिए प्रतिनिधित्व का मामला है। देश का सत्तारूढ़ वर्ग यदि संविधान बदलने की हिमाकत करेगा और आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेगा तो खूनी जंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही फुले ने कहा कि वो चुनाव की परवाह नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने सांसद की सीट की परवाह नहीं करती, मेरे पास सीट रहे या न रहे मैं अपनी अंतिम सांस तक हमारे समाज के अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। बहरहाल जिस तरह से पूरे देश में दलित समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव हैं और दलित की जनसंख्या देश में लगभग 20% है। अब देखने वाली बात ही होगी कि बीजेपी किस तरह दलितों के आंदोलन की आग को ठंडा कर पाती है। संवाद 365 के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट।